जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें अधिकतर अध्यापकों ने जारी हुई ट्रांसफर लिस्ट को लेकर चर्चा की गई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि जो लिस्ट शिक्षा विभाग द्वारा निकाली गई है, उसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर ट्रांसफर लिस्ट में सुधार नहीं किया गया तो आने वाले 8 जून को डायरेक्टरेट कार्यालय का घेराव करेंगे। हमारी जो मेन डिमांड है वो सबसे पहले इस लिस्ट को जो है वो रिवोक किया जाए, इसको रिव्यू किया जाए, और इसके लिए जो है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से मैं अपील करूंगा कि इसके लिए जो है वो कंसर्न डायरेक्टोरेट को जो है वो ऑर्डर इशू किया जाए। इससे पहले डायरेक्टोरेट स्कूल एजुकेशन जम्मू ने लिस्ट निकाली, उसमें कोई क्राई नहीं थी और बिल्कुल साफ जो थी पोस्ट हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो पावर्स दी गई हैं, जो सेंट्रलाइज पावर है, उनको डिसेंट्रलाइज किया जाए, वो क्राई ना हो। और दूसरा जो है वो 8 तारीख को जो हमने एक वन डे प्रोटेस्ट रखा है कि अगर 7 तक ये जो है इसका कोई इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ तो 8 तारीख को जम्मू कश्मीर टीचर फोरम हमारे माननीय चेयरमैन की अध्यक्षता में एक दिन का प्रोटेस्ट जो है वो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू में सुबह 10 बजे जो है वो हम करने जा रहे हैं। वो हम उसी दिन जो है वो आपको जो है वो ये ATD 2022 मास्टर्स ग्रेड की जो 1 जून को इशू की गई है, और इसके लिए जो फॉर्म जो फिलअप किए थे वो 9 फरवरी किए थे और ठीक 5 महीने के बाद ये लिस्ट निकली, उसके बाद भी इस लिस्ट में जो है वो खामियां पाई गई। बिल्कुल हम 8 तारीख को जो है हमारे चेयरमैन जी की अध्यक्षता के अंदर, श्री गणेश सूर्य जी की अध्यक्षता के अंदर हम लोग जो है वो डायरेक्टर स्कूल जम्मू में 10 बजे सुबह जो है वन डे प्रोटेस्ट रखेंगे। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.